फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना इतना और इतना का महत्तम समावर्तक मतलब होता है एच सी एफ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ नहीं करना है बच्चे, इसको करने के लिए आप लोगों को ध्यान से देना, ध्यान देना है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। देखिए हाइस्ट कॉमन फैक्टर, हाइस्ट कॉमन फैक्टर है ना जिसका पावर रहता है उसका हम छोटा लेंगे और जो सब में है उसी को लेंगे। देखिए 2 का पावर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है इस सेशन में 2 का पावर 2 है, इस सेशन में क्या है 2 का पावर 3, सबसे छोटा क्या है 2 का पावर 2, इसी को लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 2 मल्टीपल। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है 3 का पावर 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 का पावर 6, इसके बाद क्या है 3 का पावर 7, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 3 का पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 5 का पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 5 का पावर 2 है, यहाँ पर 5 का पावर 8 है, तो क्या है सबसे छोटा 5 का पावर 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 2। उसके बाद क्या बच गया, 7 बच गया, सब में 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 को हम लोग नहीं लेंगे, यही हम लोग का एच सी एफ आ गया, एच सी एफ आ गया, जो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 3 में है, ठीक है बच्चों। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और एलसीएम एच सी एफ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए इसका तो एच सी एफ हो गया, एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको भी लिखेंगे, जो 3 सेशन है ना, 1 सेशन 2 सेशन और 3 सेशन, जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे, जो छूट गया है उसको भी लिखेंगे एलसीएम में, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, या हम आप लोगों को ध्यान से बताते हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हर एक नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब 2 संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से 1 संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या बोला है तो दूसरी संख्या लिख दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए, उसके ऊपर 400 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई आप लोग का 25, 5 25 हो गया, 5 8 40 हो गया। उसके बाद इसको काटते हैं 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और इधर कितना हो गया 3 5 31 16, डायरेक्ट 16 आप लोग का आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा तो क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से 1 संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, डायरेक्ट डिवाइड देना है कितना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखिए बच्चों यह हम लोग आसान तरीका से बनाएंगे और ट्रिक से भी बनाएंगे और इसे थ्योरी से भी बनाएंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याओं का योगफल 20 है, उसका अंतर 16 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी, 2 संख्याओं का योगफल ए प्लस बी कितना दिया है 20, और क्या दिया है उसके बाद 2 और उसका अंतर 16 a - b = 16, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस प्लस बी कैंसिल हो गया, बी पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना 2a = कितना हो गया 6, यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ेंगे तो 3, कितना 36 बच्चों आ गया। 2 का पावर 2 काट रहे हैं, 2 एकम 2 बचा कितना 1 2 8 16, ए अगर हम लोग का कितना आ गया 18, तो हम लोग का बी कितना आएगा, बी आप ही लोग बोलिए कितना आएगा, बी हम लोग का आएगा 20 में टोटल 20 था 20 में 18 गया तो 2, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। और देखिए इसको हम लोग ट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ट्रिक्स आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन है ट्रिक्स। हम लोग 2 संख्याओं का योगफल 20 है, उसका अंतर 16 है, तो बड़ी और छोटी संख्या होगी, 2 संख्याओं का योग सब में 20 है, इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें 20 है, उसका अंतर 16, देखिए यहाँ पर हम 16 को 4 से घटा रहे हैं कितना आएगा, 16 को 4 से घटेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर 12 को 8 से घटेंगे तो 4 आएगा, 7 को 13 को 7 से घटेंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको 4 नंबर ऑप्शन को 18 को अगर 2 से घटाएंगे तो 16 आएगा, जिसका आंसर 16 हो, 16 इसमें है। देखिए वन ट्रिक, एकदम कुछ नहीं, ऑप्शन को पकड़ना, तुरंत बनाना है, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए पर डे और नवोदय विद्यालय में जिसको जाना है, अपना इच्छा है या अपना सपना है, उसके लिए यह चैनल मस्ट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इस तरह से आप लोग का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोग को डेली देखना है और बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना ज्यादा बात करते हुए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 + 12 का 12%, ये हो गया आप लोग का 12 प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया 12, और का मतलब होता है गुणा, 12% प्रतिशत मतलब 100 होता है बच्चों, 100 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक, क्या आ गया 12 + 144 / 100, यही है ना, आप लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखिएगा, 12 + 144 / 100, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, और 100 को
डायरेक्ट 12 से गुना करेंगे तो 12 सौ आएगा, प्लस इसको 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो एक आ गया, एक को 144 से गुना करेंगे तो कितना 144 आ गया। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा ठीक है। तो 1200 को 144 में जोड़ेंगे तो 4, ये हो गया 4, इसको इसको जोड़ दिए, फिर इसको इसको जोड़ते हैं कितना आएगा देखते हैं, फिर भी 4, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोग का है 1 और 2 3 आ गया, और कुछ बचा यहाँ पर सिर्फ एक है, एक कितना आएगा 1344, 1344, 1344 किस ऑप्शन में बच्चों, आप लोग देखिए 1344 किस ऑप्शन में है, 1344 किस ऑप्शन में है, 1344, 1344, 1344, 1344 इसमें है। देखिए कैसे आ गया 1344 डिवाइडेड बाय 100, क्या सुनना है 1 2 तो 2 के बाद पॉइंट, कितना आ गया 13.44, यही हम लोग का आंसर है जो ऑप्शन 3 में है ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्लस माइनस का ही खेल रहता है, जो मिस्टेक करेगा उसका गलती होगा, और एक नंबर के चलते आप लोगों का सिलेक्शन रुका है। अगली बार बहुत लड़का ने हमें कमेंट किया सर मेरा 0.33 एक नंबर दो नंबर से नहीं हो पाया है, यही कारण है कि थोड़ा सा भी मिस्टेक से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने वर्ष में 500 रुपया साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 600 रुपया हो जाएंगे, क्या क्या दिया है देखिए, सही आप लोग का दिया है 500 ठीक है, उसके बाद अमाउंट दिया है 600 ठीक है, उसके बाद आप लोग का रेट दिया है 5। साधारण ब्याज कितने वर्षों में 500 रुपया साधारण ब्याज की दर से, ये बच्चों हम लोग का पी है मूलधन ठीक है, ये हम लोग का पी है, सॉरी बच्चों ये पी है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, SI इक्वल टू होता है A माइनस पी, तो A को घटा देंगे P से कितना आएगा, साधारण ब्याज हम लोग का 100 आ गया ठीक है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है, साधारण ब्याज हम लोग का 100 है ठीक है। नेक्स्ट हम पेज लेते हैं देखिए ठीक है, इसमें हम लोग का क्या था, SI था 100 और आपको R था 5%, और आप लोग का पी था कितना, पी था हम लोग 500 ठीक है। तो क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, और हम डायरेक्ट टाइम निकालेंगे, ईयर टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू SI कितना है, 100 डिवाइडेड बाय पी 500 इंटू आर 5, 2 0 2 0 कट गया, 25 4 100, तो टाइम कितना आ गया 4 वर्ष, 4 वर्ष बच्चों टाइम आ गया ठीक है। यह किस फॉर्मूला से है, साधारण ब्याज की फॉर्मूला से बना है ठीक है, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा कितना आया 4 वर्ष, जो ऑप्शन किस में है 2 में है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नवोदय विद्यालय में जाने का सपना साकार करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।